एपिसोड टू की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ज़िक्विंग वेंजी को फोर्सफुली किस कर रहा होता है। इस तरह वो खुद से उसे दूर करके ज़ोरदार से स्लैप मारती है। एंड हम देखते हैं ये सब कुछ बस उसका सपना था, रियलिटी में तो ज़िक्विंग उसे नींद से जगा रहा था। वो बोला अब तुम मुझे रिपे कैसे करोगी? वो बोली मैंने एक ड्रीम देखा जिसमें एक पिक मुझे बाइट कर रहा था। ज़िक्विंग बोला अब चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें ब्रेकफास्ट के लिए जाना है मिस्टर ज़िया के साथ। अगले सीन में हम देखते हैं वेंजी कह रही थी मुझे एक टी शर्ट पहन लेना चाहिए, मैं इस ड्रेस में सेफ फील नहीं कर रही हूँ। तभी पीछे से ज़िक्विंग आके उसे पकड़ लेता है और उसके नेक्स पे मार्क्स बनाने लगता है। ये देख के वो कह दे तुम ये क्या कर रहे हो? ज़िक्विंग उसे चुप करने के लिए कहता है और बोला मैं यहाँ पर कुछ मार्क्स बना रहा हूँ ताकि उनको लगे कि हमारे बीच उसे कुछ हुआ है। वो बोली तो फिर मैं खुद से ही कर लूँगी। ये कह के वो उसके हाथ पे बाइट कर लेती है और बोली अब ये रियलिस्टिक लग रहा है। तब यहाँ पर मिस्टर ज़िया आ जाता है। मिस्टर ज़िया वेंजी के नेक को देख क्या लगता है तुम दोनों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया रात को। ज़िक्विंग बोला ये बस इनोसेंट देखती है लेकिन इनोसेंट है नहीं वैसे। मिस्टर ज़िया बोला क्या तुम लोगों को कोई चाहिए रूम क्लीन करने के लिए? जिस पे वो बोली कि नहीं मैं खुद कर लूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं ज़िक्विंग मिस्टर ज़िया के साथ किसी का वेट कर रहा था पार्किंग एरिया में। तब यहाँ पर मिस्टर बियाओ नाम का एक आदमी आता है। मिस्टर बियाओ को देख मिस्टर ज़िया बोला मेरे आदमी आपको सारी जगह दिखा देंगे। एंड मिस्टर बियाओ यहाँ पर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वेंजी को जो कि बेडशीट सुखा रही होती है। उसके बाद वो एक पॉन्ड के किनारे बैठ जाती है एंड मिस्टर बियाओ उसे देखने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर ज़िया के पास मिस्टर बियाओ कॉल करके कहता है मुझे तुम्हारे यहाँ के एक लड़की पसंद आ गया है। मिस्टर ज़िया बोला आपको जिससे भी पसंद है वो लेकर जाओ आप। ये सुन के ज़िक्विंग बोला अब अगर सब कुछ हो गया है तो अब मैं जाऊँ। उसके बाद वो वेंजी को ढूंढने लगता है लेकिन उसे नहीं मिलता। तो बाद में सीसीटीवी फुटेज देख के पता चलता है मिस्टर बियाओ वेंजी को अपने साथ लेकर गए हैं। ज़िक्विंग मिस्टर ज़िया से बोला मुझे कार दो, जिस पर मिस्टर ज़िया उसे कार तो दे देते हैं लेकिन वो अपने आदमी से कहते हैं ज़िक्विंग का पीछा करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं वेंजी मिस्टर बियाओ के कार में बेहोश होती है एंड इनके कार का पीछा कर रहा था ज़िक्विंग फुल स्पीड में। वेंजी की जब आँख खुलती है तो वो अपने सामने मिस्टर बियाओ को देख चिल्लाने लगती है तो मिस्टर बियाओ उसे जबरदस्ती चुप कराने लगते हैं। तभी इनके कार के सामने ज़िक्विंग अपना कार लेकर आ जाता है। वो कार से निकल के मिस्टर बियाओ को बाहर आने के लिए कहता है। मिस्टर बियाओ बाहर निकलता है, वेंजी भी बाहर निकल के कार के अंदर चली जाती है ज़िक्विंग के। एंड ज़िक्विंग भी कार के अंदर चला जाता है एंड ये लोग कैसे चले जाते हैं। इनके जाने के बाद मिस्टर बियाओ भी इनके कार का पीछा करने लगता है फुल स्पीड में लेकिन किसी तरह ज़िक्विंग मिस्टर बियाओ को चकमा देके बच जाता है। वेंजी बोली तुमने मुझे दोबारा बचाया। ज़िक्विंग बोले ये मेरा जॉब है, वैसे भी यही एक अच्छा मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। तभी ये लोग देखते हैं इनकी कार में GPS ट्रैकर है एंड सामने से मिस्टर ज़िया अपने आदमी के साथ आ रहा होता है। ये देख के ये दोनों यहाँ पर किस करने के नाटक करते हैं। मिस्टर ज़िया बोला तुम लोग अभी क्या कर रहे हो? ज़िक्विंग बोला मैं बस मेरे गर्ल को चेक कर रहा हूँ कि ये ठीक है कि नहीं। मिस्टर ज़िया बोला अगर तुम लोगों का हो गया हो तो चलो मिस्टर बियाओ से माफ़ी मांगने के लिए। अगले सीन में मिस्टर ज़िया मिस्टर बियाओ से कह रहा था आपने जिस लड़के को चॉइस किया था वो लड़के असल में मेरे गार्ड का था, आप फिक्र मत कीजिए मैं आपके लिए ऐसे ही 10 लड़के को भेजूंगा। ये सुनकर बियाओ बोला मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस प्रॉफिट में से 70% चाहिए और तुम 30% रख लेना। ये सुनकर मिस्टर ज़िया मिस्टर बियाओ को नाइफ से मार के नीचे गिरा देता है। बाद में वो अपने एक आदमी को बुला के मिस्टर बियाओ को मारने के लिए कहता है लेकिन वो आदमी भी मिस्टर बियाओ को नहीं मार पाता जिस वजह से मिस्टर ज़िया उस आदमी को ही मार देता है। ये सीन देख के वेंजी पूरी की पूरी डर जाती है। बाद में मिस्टर ज़िया ज़िक्विंग से मिस्टर बियाओ को मारने के लिए कहता है, ज़िक्विंग जा रहा था लेकिन वेंजी उसे रोकते हुए कहती है नहीं हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, तुम उसे मत मारो। ज़िक्विंग बोला लेकिन मिस्टर ज़िया उसे मारना चाहते हैं और अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें ये उनकी बात मानना होगा। ये कह के ज़िक्विंग मिस्टर बियाओ को मार देता है और मिस्टर बियाओ के लाश को पूल में फेंक देता है। इसके बाद मिस्टर ज़िया और उनके आदमी यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वेंजी ज़िक्विंग के हाथ के चोट को देख के बोली तुमने बियाओ को नहीं मारा है ना? एंड यहाँ पर हम देखते हैं उसने बस बियाओ को मारने का नाटक किया था। ज़िक्विंग बोला एटलीस्ट तुम डम तो नहीं होना। एंड यहाँ पर हम देखते हैं बियाओ भी जिंदा होता है। अगले सीन में ज़िक्विंग वेंजी से कह रहा था गार्ड सब हमारे ऊपर नज़र नहीं रख रहे हैं तो हमें अब यहाँ से निकलना होगा, उससे पहले मिस्टर ज़िया को पता चले कि बियाओ जिंदा है। ये कह के वो जा रहा होता है लेकिन वेंजी उसे रोक के उसके चोट लगे गए हाथ पे अल्कोहल डालने लगती है। ज़िक्विंग उसे रोक देता है। वेंजी बोली तुम हमेशा मदद के लिए रिफ्यूज क्यों कर देते हो? वो बोला तुम याद रखना ये बस एक बिजनेस है, मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप मत करना। एंड अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर ज़िया कह रहा था ज़िक्विंग अब हम में से एक है तो उसके ऊपर नजर नहीं रखना है तुम लोगों को, उससे फ्रीली अब घूमने दो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है ज़िक्विंग उस लड़की के लिए इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा है? तभी यहाँ पर एक लड़की आके बोली मैं भी उस लड़की ने उससे पैसे दिए हो ताकि वो यहाँ से बाहर निकल के पुलिस को हमारे बारे में बता सके, मुझे टेस्ट करना होगा उसको। इसी के साथ ही एपिसोड 2 भी यहाँ पर ही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।